अस्सलाम वालेकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं सलमान कियानी। एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। फौज यमन भेजी जाए या नहीं, कौमी लाह अमल तय करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दिन 11 बजे होगा। अब्दुल कादर बलोच कहते हैं वजीर आजम यमन तनाजा हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ 8 माह बाद असेंबलियों में वापस आ गई, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी शरीक होगी। इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास 10 बजे तलब। तीसरा दिन भी शुरू हो गया, हुकूमत जुडिशियल कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला ना कर पाई, कानूनी पेचीदगियों पर गौर जारी। कराची के इलाके डिफेंस में रेंजर्स की कार्रवाई, गैंग वॉर के 3 कारिंदे हलाक, 1 अहलकार जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान टारगेट किलर समेत 21 मुलजिम पकड़े गए। श्रीलंका के सदर आज इस्लामाबाद में सदर और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे, मौशी और तजारती ताबुन बढ़ाने के लिए कई समझौते होंगे। और पंजाब के बाद शहरों में रात गए बारिश, मौसम खुशगवार हो गया, लाहौर में भी रिमझिम का इम्कान।